फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन चिल्ली। चिकन चिल्ली बनाने के लिए मैंने ये बोनलेस चिकन ले लिया है और इस तरह से मैंने ये ले लिया है। अब मैं इसे मैरिनेट करती हूँ। इसमें मैं एक चम्मच अदरक लहसुन और गरम मसाला मैंने इसमें पीसा है और ये मैं इसमें डाल रही हूँ। मुझे मैरिनेट करना है और मैं नमक डालूंगी। मैं आधी चम्मच नमक डाल रही हूँ और मैं एक चम्मच मैं ये नींबू का रस डाल रही हूँ। मैं एक चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ और मैं इसे मिला दूंगी अच्छी तरीके। मुझे इसे मैरिनेट करना है। मैं एक अंडा भी डाल रही हूँ। मुझे इस तरह से अच्छी तरीके से इसे मिला देना है और एक घंटे के लिए मैं छोड़ दूंगी इसे। आप चाहो तो एक घंटे के लिए छोड़ सकते हो। मैं इसे मैरिनेट मैंने कर दिया है। ये देखिए मेरा मैरिनेट हो चुका है। ये मैंने सारे मेरे चिकन बोनलेस चिकन मेरे कोट हो गए हैं और मैंने एक पैन चढ़ा दिया है। इसमें मैंने तेल भी डाल दिया है। ये मेरा तेल गर्म हो गया है। अब मैं इसे एक एक करके इसमें डालूंगी और फ्राई करूंगी। मैं इसे एक एक करके डालूंगी। मुझे इसे डीप फ्राई करना है। ये देखिए ये मैंने सारे चिकन मैंने डाल दिया है और मैं फ्राई कर रही हूँ इसे। मुझे अच्छी तरीके से इसे डीप फ्राई करना है। ये देखिए मेरे सारे चिकन मेरे फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसे बाहर निकाल देती हूँ। ये देखिए मैंने सारे मेरे चिकन फ्राई हो गए। मैंने बाहर इसे निकाल दिया है। अभी मैं इसे थोड़ा साइड में रख देती हूँ और इसकी एक सॉस बना लेती हूँ। मैं एक सॉस रेडी कर रही हूँ। ये मेरा रेड चिल्ली सॉस है। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और ये टमाटर सॉस है मेरा, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। और मैं आधी चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। ये मैं आधी चम्मच ये कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। इसे मैं मिला दूंगी और एक सॉस मेरा रेडी हो जाएगा। इसमें मैं थोड़ा सा आधी कप पानी डालूंगी और मेरा ये सॉस रेडी हो। ये देखिए मैंने दूसरा पैन चढ़ा दिया है और मेरा तेल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ये मैंने लहसुन मैंने छोटा छोटा काटा था, ये मैं इसमें डाल दूंगी। और इसे लाल करूंगी थोड़ा हल्का फ्राई करना, मुझे ज्यादा नहीं करना। अब इसमें मैं ये ग्रीन चिल्ली डाल रही हूँ। अब ये मैं कैप्सिकम मैंने छोटा छोटा काटा था, ये मैं डाल रही हूँ। और साथ ही में मैंने इस तरह से प्याज मैंने कटिंग कर लिया है, ये मैं इसमें डाल दूंगी और इसे मैं अच्छी तरीके से मिला दूंगी। मुझे ज़्यादा नहीं पकाना, इसका सॉटे करना है। ये देखिए मेरा प्याज और कैप्सिकम मेरा रेडी हो गया है। मुझे इसे हल्का ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। और ये जो मैंने सॉस बना कर रखा था ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसे मिला दूंगी अच्छी तरीके से। ये मेरा सॉस रेडी हो गया है चिकन चिल्ली का। इसे हल्का मुझे 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाना है। ये देखिए मेरा सॉस रेडी हो गया है। अब ये जो मैंने चिकन फ्राई करके निकाला था ये मैं इसमें सारा ऐड कर दूंगी और इसे मिला दूंगी। बस ये मेरा चिकन चिल्ली रेडी हो गया है। अब मैं गर्मा गर्म सर्व करती हूँ। ये देखिए मैंने सर्व कर दिया है मेरा। अब मैं इसे गार्निश कर रही हूँ। मैंने सेसमी सीड में डाल रही हूँ इसे। ये देखिए मैंने इस तरह से मैंने गार्निश कर दिया है। ये हमारा चिकन चिल्ली देखिए, ये मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है। हमारा चिकन चिल्ली रेडी हो गया है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।